बिहार के नवादा जिले में एक लड़की ने घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के संग शादी रचा ली। वहीं शादी के बाद नवविवाहिता जोड़े ने एक वीडियो भी जारी किया है, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमी जोड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस इस घटना की तहकीकात में जुट गई है। बता दें, बिहार के बरदहा बाजार की रहने वाली रागिनी कुमारी ने 2 जुलाई को अपने प्रेमी संग कोर्ट और एक मंदिर में अंतरजातीय विवाह कर लिया और फिर अपने माता पिता को इसकी जानकारी वीडियो कॉलिंग के जरिए दी। बेटी की शादी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस को पता चला लड़का लड़की दोनों बालिग हैं। लड़की ने पुलिस में कोर्ट मैरिज और बालिग होने का सबूत भी दिया। जब पुलिस ने इस मामले में अपने हाथ पीछे खींच लिए तो लड़की के परिजन उसके ससुराल पहुंचे। लड़की ने आरोप लगाया कि परिजनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद लड़का और लड़की ने मिलकर मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में लड़की ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़की का कहना है कि उसके घर वाले रोज उसे और उसके पति को धमकी दे रहे हैं, वे उसे जान से मार देंगे या फिर लड़की का अपहरण कर लेंगे और फिर मर्डर में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। रिपोर्ट दर्ज करा के उसके प्रेमी का नाम उस पर लगा देंगे। वायरल वीडियो में लड़की ने पिता, भाई और मामा से जान का खतरा बताया। मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मगध कॉलोनी में रहती हूँ और मेरा थाना मगध मेडिकल है। मैं मनीष कुमार और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर बरदहा है और थाना सिद्धल्ला है। हम लोगों ने 2 जुलाई 2021 को शादी कर ली है। हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे। हमारा एक इंटर कास्ट मैरिज है और हम दोनों मतलब ये सेटल्ड है और मैं एक मतलब ग्रेजुएट हूँ फिर भी। और शादी के बाद इन्होंने अपने घर वालों को भी वीडियो के जरिए बता दिया था, पर 6 जुलाई के इनके घर वाले मतलब इनके मायके वाले आए और बहुत सारे धमकियां देकर गए हैं कि जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुम लोग को घर से नहीं निकलने देंगे। जहाँ तक मुझे पता चला है कि मुझे यहाँ से ले जाने के बाद जहर देकर मार दिया जाएगा या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी करके बस उनका उसका ब्लेम इन पे लगा के और केस कर दिया जाएगा अपहरण का। मुझे ये सब पता चला और ये सब पता क्या मेरे पास प्रूफ है कि ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। और ऐसा जो धमकी दे करके गए थे वो इनके ममेरे भाई है, अविनाश कुमार सिंह नाम है उनका, रिंकू भी हम लोग बोलते हैं उनको। वो मतलब पूरी तरह बोल के गए हम लोग क्रिमिनल हैं, ये हैं, पुलिस और नेता को पैकेट में रखते हैं, फेवर में तुम्हारा फैसला भी आ जाएगा फिर भी तुमको परेशान किया जाएगा, बहुत कुछ बोल के गए हैं, पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। आज 11 जुलाई है, आज भी उन लोग हमारा थाना में सिद्धल्ला में आए हुए थे, इनके पूरे फैमिली, उन्होंने मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थाना में बुला करके बुलाइए और ये बता रहे हैं कि ये नाबालिग हैं, जबकि फिर पुलिस आए मेरे घर पे और उन्होंने बयान भी लिया, उनको आधार कार्ड दिखाया गया, इनका 10th का सर्टिफिकेट दिखाया गया और उनको बताया गया कि इनकी एक जॉब भी हो चुकी है। अब सबको पता है कि नाबालिग को जॉब कैसे मिल सकता है, मेरे टीचर में जॉब होने वाला था, मैं नाबालिग रहती तो मेरा जॉब होता ही नहीं, इसलिए उन लोग मतलब कुछ भी झूठ का ब्लेम डाल रहे हैं हम लोगों पे, किसी भी तरह मैं वहाँ चली जाऊँ और उन लोग मुझे खत्म कर दें और उसका ब्लेम इन पे डाल दें। और इनके पूरे परिवार लगे हुए हैं, इनके मामा के घर वाले या फिर इनके घर वाले सब लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि इन्होंने समझा दिया अपने मम्मा को भी कि आपको पहले भी बताए थे और हम खुश हैं यहाँ, हर चीज इन्होंने 6 तारीख को पूरे मतलब मेरे घर पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, सारी जनता के सामने इन्होंने बयान दिया कि हम यहीं रहना चाहते हैं, उसका भी वीडियो हमारे पास है, फिर भी उन लोग किसी न किसी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि हम एक वीडियो डालें अपना सेफ्टी के लिए, अब मुझे जैसा लगता है कि अपना सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा यही आग्रह है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे यही आग्रह कि वो हमारी सुरक्षा प्रदान करें, जो भी पुलिस है हमारे सिद्धल्ला थाने के या फिर जो बिहार में जो भी पुलिस है, नीतीश सरकार उनसे सजेस्ट करे कि आप इन लोगों को सपोर्ट करें, सहयोग करें, हमारा भी अधिकार है। बस इतना ही कहना था। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ रहा है, जबकि हम लोग बहुत कोशिश कर लिए,
इन्होंने भी डालना चाहते तो बहुत पहले डाल चुके होते, लेकिन अब मजबूरन डालना पड़ा, मजबूरी है डालना। थैंक यू, जो भी इस वीडियो को देखिएगा प्लीज शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स ऑल।